हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन सीरीज कंप्यूटर नॉलेज। सो आज हमारा एमसीक्यू सेट 3 हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग, जब भी मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग इंग्लिश लेक्चर्स। सो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला है कि धीरे धीरे मैं सारी सीरीज स्टार्ट करूंगी। अभी मैं कंप्यूटर स्टार्ट किया, वेटिंग फॉर फ्यू डेज की कोई नोटिफिकेशन आ जाए प्रॉपर, उसके बाद मैं आपकी इंग्लिश की सीरीज भी स्टार्ट करूंगी। ऐसा नहीं है नहीं करूँ, इंग्लिश की सीरीज भी स्टार्ट होगी और प्रॉपरली हम लोग इन डेप्थ इंग्लिश को भी सब कुछ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम कंप्यूटर के ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। एंड रिगार्डिंग द कोर्स इंफॉर्मेशन, ये है आपके कोर्सेज का इंफॉर्मेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं आपके मॉक टेस्ट्स। ठीक है, ये वाले मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, जिससे आपके क्या होगी सारी रिवीजन जो है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं ना इस टाइम पे, तो यहाँ पर आपकी रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छे से होने वाली है। ऑलराइट, एंड 30% ऑफ भी अवेलेबल है। एंड मेरे कोर्सेज आपको चाहिए तो सेपरेट कंप्यूटर सेपरेट इंग्लिश का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कंबाइंड कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है ऑनली ऑन जेके एग्जाम क्रैकर ऐप। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रखा गया। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आज के टॉपिक में हमारे पास नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में हमेशा हाई लेवल क्वेश्चन ही आए या फिर ऐसे क्वेश्चन आए जो हमने देखे ही नहीं है। हमें बेसिक लेवल भी पढ़ लेना चाहिए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग क्या बोला है, डैश इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शंस एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह बिहेव करता है, यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट किया जाता है, पोर्टेबल है, स्मॉलर फ्लैश मेमोरी कार्ड है। तो फ्लैश मेमोरी कार्ड से हम लोग को क्या समझ में आता है, जो प्लग एंड प्ले डिवाइसेज होते हैं जिनको हम इजिली यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं और उनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर यूजेज, हम उनको अपने सिस्टम में अटैच कर सकते हैं, है ना। तो क्या है ऑप्शन, फ्लैश ड्राइव, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी रोम, सीडी रोम। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारे पास क्या, फ्लैश मेमोरी कार्ड। तो करेक्ट आंसर यहां से क्या आएगा, फ्लैश ड्राइव, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और यहां से यूएसबी पोर्ट बोला है, तो यहां से आपको एक चीज और क्या पता होनी चाहिए, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो सबको पता है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ऐसे फुल फॉर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज्ड टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस में रडार सिस्टम या एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए किस तरह के कंप्यूटर्स इसमें से यूज होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स या फिर डिजिटल कंप्यूटर्स। तो कौन से कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो ये तो हमने पढ़ भी रखा हुआ है, यहाँ पर यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स का, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, है ना। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों के फंक्शंस को मिलाकर, दोनों के फीचर्स को मिलाकर बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि यहां पर डिफेंस में बोला है, रडार ऑफ नेशनल डिफेंस उसके लिए यूज होता है, मिसाइल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फाइटर प्लेन्स में जो कंट्रोल सिस्टम्स होता है, सिम्युलेटर्स होता है, वहां पर भी जो आपका कंप्यूटर होता है हाइब्रिड होता है। फोरेंसिक्स में भी जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च सिस्टम्स में भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज होता है। मेडिकल साइंस में भी, जैसे कि आपकी यूएससी मशीन्स होते हैं, यूएससी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड मशीन्स आप जिसे बोलते हैं, उसमें भी यूज किया जाता है। ईसीजी मशीन्स जो होती हैं आपकी, उसमें भी जो कंप्यूटर, वो भी जो कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, गैस स्टेशंस जो होते हैं वहां पर भी जो मशीन्स का यूज होता है, वो भी कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, है ना। तो ये सारे हो गए इसके यूजेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, डैश इज द सेंट्रल सर्वर इन कंप्यूटर नेटवर्क विच लेट्स द कंसर्न यूजर यूटिलाइज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सर्वर। जो बेसिकली सर्वर पे स्टोरेज कैपेसिटी को यूज करने का यूज करना करने देता है, वो कौन सा सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर। अब हमें स्टोरेज कैपेसिटी बोला है, दैट मीन जो मेमोरी में जो भी कंटेंट है, वी कैन से फाइल्स, डेटा है, उसे एक्सेस करना या यूज करना हमें अलाउ करता है, तो वो कौन सा हो गया, फाइल सर्वर। ठीक है, फाइल सर्वर का क्या काम होता है, ये स्टोरेज मैनेज करने का काम करता है। बेसिकली जो भी सर्वर पे फाइल्स पड़ी हैं, जहां से आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वो सारा
जो है वो यहाँ पर रहता है, फाइल सर्वर पर रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इजी, सबको पता होगा इसका आंसर। निबल इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिट, हाफ बाइट या फिर 8 बाइट। तो निबल को हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है ये आंसर तो सबको पता होगा। मेमोरी यूनिट्स तो सबने ही पढ़े होंगे, बहुत इजी सा छोटा सा टॉपिक है, तो ये आंसर आप लोग मुझे दोगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोला है, हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया। अब हमने पढ़ लिया एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, हमने एनालॉग कंप्यूटर की कुछ डेफिनेशन एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। अब फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, ये तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आ गया, इंडिया में किसने बनाया, तो ऑप्शंस देख लो हमारे पास क्या क्या है। समरेंद्र कुमार मित्र, देव कुमार बोस, सुबोध चंद्र दास गुप्ता, बिमल कुमार भट्टाचार्य। तो यहाँ से करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, समरेंद्र कुमार मित्र, इन्होंने बनाया था। कब बनाया था, 1953 में ये बनाया गया था। ठीक है, और इसका मेजर फंक्शन क्या था, इट कुड सॉल्व लीनियर इक्वेशंस विद 10 वेरिएबल्स। ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता था, टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस तो मैथमेटिक्स में सबने पढ़ा है, विद 10 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है। इन कंप्यूटिंग डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। जो भी सिक्योरिटी रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है या जा रहा है उससे कंट्रोल करने का काम करता है एज अ सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसका आंसर आई गेस सबको पता होगा, फायरवॉल है ना, एक वॉल की तरह काम करती है आपके सिस्टम और नेटवर्क के बीच में। राइट, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जो भी आप लेट्स से डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आपको आपकी रिक्वेस्ट आपको सर्व हो रही है, ये सारा कंट्रोल करने का सिस्टम किसका होता है, फायरवॉल का, ताकि कोई भी करप्टेड वेबसाइट आपके सिस्टम से आप एक्सेस ना कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ डेटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो डेटाबेस यूज करती है फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। हमने एक ही डेटाबेस हमारे सिलेबस में पढ़ा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस का यूज करती है। अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोल सकते हैं, सिस्टम की सेटिंग्स, इंफॉर्मेशन, ये सारा स्टोर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेटाबेस का यूज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्ट्री डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का डेटाबेस है यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पिवट टेबल्स के बारे में है, क्या बोला है। पिवट टेबल इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। ऐसा इस पर एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, एक बार मैंने जब एमसीक्यू सीरीज आपको करवाई थी, तो पिवट टेबल आपको कौन से सॉफ्टवेयर में मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, एक्सेस या पावर पॉइंट। तो पिवट टेबल आपको मिलता है एक्सेल में। ठीक है, कहां पर मिलता है, जब आप इंसर्ट में जाते हो तो आपको इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शन ही दिखता है पिवट टेबल का। ठीक है, अभी पिवट टेबल आपके जो आप नॉर्मल टेबल बनाते हो अपने एक्सेल में, कंटेंट बनाते हो, उससे अलग क्यों है, ये अलग है कि ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एज इन आप डेटा को जो उसमें कंटेंट्स आप स्टोर करते हो, दीज आर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, एंड ये आपके जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको समराइज करके रखता है। ठीक है, इट समराइजेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज डेटा। ओके, और मिलता कहाँ पे, इंसर्ट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो सब लोग, इंपॉर्टेंट है एंड इजी भी है। क्या बोला है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की है यहाँ पर, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल एंड F2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वॉज डेवलप बाय। बारकोड सिस्टम के बारे में तो हमने पढ़ लिया है ना, और बारकोड को रीड करने के लिए एक इनपुट डिवाइस का भी यूज किया जाता है, जिसे हम बारकोड रीडर कहते हैं, ये भी हमें पता चल गया है, इतना हमने पढ़ लिया। फर्स्ट किसने बनाया है, तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे क्या है, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, जॉन एमसी कार्थी, जॉन बागर, डेविड ब्रैडले। तो आंसर हमारे पास क्या है, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। और कब बनाया था फर्स्ट, 1948 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग वीजीए का मतलब क्या है? तो वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस में से देखो, यहाँ से विजुअल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स ऑडियो, वीडियो विजुअल ग्राफिक्स ऑडियो. तो वीजीए का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, इट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे. ठीक है, और वीडियो ग्राफिक्स एरे का क्या काम होता है, आई गेस ये भी सबको पता ही होगा, हमने पढ़ा भी होगा शायद. तो वीडियो ग्राफिक्स का किस लिए यूज होता है? आपके मॉनिटर पे जो कलर आउटपुट होती है, ठीक है, कलर्ड ग्राफिक या फिर कलर्ड वीडियो आउटपुट के लिए, आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे जो आती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. F7 key is commonly used in Microsoft programs such as Word, Outlook, etc. किस लिए यूज होता है? फंक्शन की जो 7 है आपकी, तो ये आपके हर प्रोग्राम में यूज होती है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में यूज होती है. और क्यों होती है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए. सो आंसर हो गया हमारे पास चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर. ये इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार कई सारे JKSSB के डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. नेक्स्ट, Which of the following pairs is not matched correctly? Basically, यहाँ पे क्या है, हमें एक शॉर्टकट की दी हुई है ना, और शॉर्टकट की के साथ क्या किया हुआ है, शॉर्टकट की के साथ यहाँ पर उसका यूज दिया गया है. तो हमें बताना है क्या कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है. तो फर्स्ट बोला है ऑल्ट ई एडिट ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम. ऑल्ट ई का यूज एडिट ऑप्शन के लिए ही होता है. ऑल्ट शिफ्ट डी इंसर्ट द करंट डेट, ये भी सही है. कंट्रोल के कट सिलेक्टेड है, क्या कट के लिए हम कंट्रोल के यूज करते हैं? नहीं, कट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स यूज करते हैं. और सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज करते हैं, ये बिल्कुल सही है. तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14. कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर डैश कीज. इन कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को हम कौन सी कीज कहते हैं? तो हमने पढ़ा है कि इन्हें हम मॉडिफायर कीज कहते हैं, हम इन्हें मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं. अब इन्हें कॉम्बिनेशन कीज या मॉडिफायर कीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कीज कंबाइन करती हैं किसी और की के साथ. आप अकेले ऑल्ट प्रेस करोगे, अकेला शिफ्ट प्रेस करोगे या कंट्रोल प्रेस करोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी इनका यूज नहीं होगा. दे हैव टू कंबाइन विथ सम अनदर की और किसी तरह के मॉडिफाइंग का काम करते हैं ये, तो इसीलिए हम इन्हें मॉडिफायर कीज कहते हैं. ठीक है, चलो आगे देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट. पामटॉप कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज. पामटॉप कंप्यूटर्स को हम और क्या कहते हैं? पर्सनल नोटबुक, टैबलेट पीसी या हैंड हेल्ड है. यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स. तो यही सही आंसर है, हैंड हैंड. पामटॉप मतलब जो आपके पाम में आ जाए, आपके हाथ पे आ जाए. तो हैंड हेल्ड मतलब अगेन आपके हाथ पे जो कंप्यूटर्स आ जाए, वेरी इजी टू, मतलब बड़े ज्यादा पोर्टेबल होते हैं, है ना, क्योंकि हाथ में आ सकते हैं. तो इस तरह के कंप्यूटर्स को हम कहते हैं हैंड हेल्ड. ऑप्शन हो गया डी. नेक्स्ट, Every computer has dash and many also have dash. हर कंप्यूटर में एक चीज जो होती है और कुछ काफी सारे कंप्यूटर्स में ये भी होती है. तो हर कंप्यूटर में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये तो हमें पता है. और काफी सारे कंप्यूटर्स में क्या होता है? क्लाइंट सिस्टम, इंस्ट्रक्शन सेट्स या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. और काफी सारे कंप्यूटर्स में एप्लीकेशन भी होती हैं. तो आंसर हो गया डी. ऑपरेटिंग सिस्टम तो मस्ट है, उसके बिना आपका सिस्टम ही काम नहीं करेगा, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन ऑर्डर टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज, आपको आपका जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है आपको एज वेब पेज उसको सेव करना है, तो आपको क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? फर्स्ट क्या बोला, पुट द एप्रोप्रिएट ग्राफिक्स एंड लिंक्स ऑन द डॉक्यूमेंट. आपको ग्राफिक्स और लिंक्स डालने पड़ेंगे, उससे वो वेब पेज की तरह सेव नहीं हो जाएगा. तो ये ऑप्शन हो गया गलत. सेव द डॉक्यूमेंट इन सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी गलत हो गया. यूज योर वेब ब्राउजर एज एन एडिटर एंड सेव एज URL, ये भी गलत हो गया. आपको सेव डॉक्यूमेंट को करना है तो आप उसको सेव करोगे एज HTML. जब आप सेव एज पे जाते हो तो यू विल गेट वेरियस ऑप्शंस, आपको काफी सारे फॉर्मेट के ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको एज व्हाट सेव करना है अपने डॉक्यूमेंट को. तो वहां पे आपको HTML का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको सेव एज HTML करो, वो एज वेब पेज सेव होगा. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18. ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सबको पता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिन्हें हम टेक्स्ट मैन्युपुलेटिंग सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं, है ना, ये होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स. अब इनमें ग्राफिक्स क्या होते हैं? तो इसमें जो ग्राफिक्स होते हैं वो होते हैं आपकी क्लिप आर्ट.
फ्लिपकार्ट का फीचर आपको कहाँ पर मिलता है स्टूडेंट्स? इंसर्ट में जब आप जाते हो, अपने मेन्यू बार में इंसर्ट टैब में जब आप जाते हो, आपको फ्लिपकार्ट का ऑप्शन मिलता है। जब आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पर एक टैब ओपन हो जाता है, एक विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे आपको सर्च बटन मिलता है। ठीक है, तो जब आप सर्च करते हो तो वेब से जो भी आपने सर्च किया है, कोई ग्राफिक कोई इमेज, वो आपको उसके ऑप्शंस देता है एज यू सर्च ऑन गूगल। तो वहां से आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो फ्रॉम सिलेक्टिंग देयर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डाटा इन कॉलम एंड कॉलम डाटा इन अ रो? आपका जो रो का डाटा है वो आपको कॉलम में बताना है, जो कॉलम का डाटा है वो आपको रो में डिस्प्ले करना है। तो आपको एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? बेसिकली आपको क्या करना है, जो आपका डेटा है उसकी ओरिएंटेशन स्विच करनी है। किसमें? एक्सेल टेबल में। ओरिएंटेशन स्विच करनी है आपको एक्सेल के टेबल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? हाइपरलिंक इंडेक्स ट्रांसपोज। तो आप यहाँ पे ट्रांसपोज का फंक्शन यूज करते हैं। बेसिकली क्या कर देता है, ओरिएंटेशन को ट्रांसपोज कर देता है, रो का डाटा कॉलम में, कॉलम का डाटा रो में। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टेबल कंटेंट्स को कि ओरिएंटेशन स्विच करने के लिए हम कौन सा वाला फंक्शन यूज करते हैं, तो आपको ट्रांसपोज यूज करना है और इक्वल टू लगा के ही आप इस तरीके से ये फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप सीरीज ऑफ नंबर? आपके नंबर की सीरीज को आपको एड ऑन करना है तो आप कौन सा बटन यूज करोगे? तो ऑटो सम फॉर्मूला, क्विक टोटल और टोटल बटन। तो आप ऑटो सम का यूज करते हो जो ऑटोमेटिकली आपने जो भी सिलेक्टेड सेल्स हैं उसका सम आपको दे देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशंस हमें पता है डॉक्यूमेंट का .cox हो गया, है ना, .docx हो गया, उसके बाद हमें हमने एक्सेस का पढ़ा है, एक्सेल का पढ़ा है, पावर पॉइंट का पढ़ा है ना। तो ये होते हैं फाइल एक्सटेंशंस। अब इसका यूज क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू नेम द फाइल, इंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट, आइडेंटिफाई द फाइल, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। बेसिकली फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर .docx है तो हमें फाइल टाइप समझ आ जाएगा क्या है, डॉक्यूमेंट है ना। .pdf है तो हमें समझ आ जाएगा pdf है। .pptx है तो हमें समझ आ जाएगा कि एक ppt है, प्रेजेंटेशन फाइल है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर इधर अपर और लोअर केस और नंबर्स टू सिंबल, नंबर्स को सिंबल्स में चेंज कर देता है, अपर केस को लोअर केस में कर देता है, लोअर केस को अपर केस में कर देता है, ये कौन सा वाला बटन है? मॉनिटर, शिफ्ट की, आइकन और माउस? तो ये है शिफ्ट की। फॉर एग्जाम्पल आप शिफ्ट की को ए के साथ प्रेस करते हो, ठीक है, एज ए जनरल टाइप करते हो, आपने सिलेक्ट किया तो आप टाइप करते हुए तो आपका ये वाला जो ए है ये स्मॉल ए में आ जाएगा, अगर स्मॉल में है तो कैपिटल में आ जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि नंबर टू जो है उस पर मेरा कौन सा सिंबल होता है, ये एट द रेट का सिंबल होता है, तो टू को अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करती हूँ वाइल टाइपिंग तो वो ये वाला सिंबल एक्सप्रेस करेगा। ठीक है ना, तो शिफ्ट को आप जो किस अगर अपर केस के कॉम्बिनेशन में करते हो तो वो लोअर केस हो जाता है, लोअर केस के साथ करते हो तो वो अपर हो जाता है, नंबर सिंबल के साथ, सिंबल नंबर के साथ, इस तरीके से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। टू स्टार्ट द कंप्यूटर डैश की इज यूज्ड, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए बेसिकली कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट एक साथ जब प्रेस करते हो तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन यू यूज फॉर स्लाइड बैकग्राउंड, स्लाइड के बैकग्राउंड के लिए आप कौन से इफेक्ट्स यूज कर सकते हो? ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, स्लाइड फॉर्मेटिंग, स्लाइड का जो बेसिकली बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको हम लोग, एक प्रेजेंटेशन में या फिर एक स्लाइड में बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग क्या होती है? बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो आपका स्लाइड का बैकग्राउंड है वो कैसा रखना चाहते हो, प्लेन रखना चाहते हो, कलर्ड रखना चाहते हो, कोई पिक्चर रखना चाहते हो, कोई टेक्सचर रखना चाहते हो, ग्रेडियंट रखना चाहते हो, कैसा? तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पे देते हैं। ग्रेडियंट का मतलब मिक्सचर ऑफ कलर्स आता है, टेक्सचर का मतलब किसी तरह के कुछ इनबिल्ट वहां पर होते हैं, सॉलिड का ऑप्शन आता है, कलर्स आपको मिल जाते हैं, पिक्चर कुछ इनबिल्ट होते हैं, आप बाहर से भी कोई पिक्चर वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। किसमें आता है? बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग में। राइट क्लिक करोगे स्लाइड पे तो भी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 25, अगेन पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। हाँ, तो क्या बोला है, द बॉक्स दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट द टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन इट।
उन्हें हम क्या बोलते हैं? देखो जो आपकी स्लाइड होती है ना, उसमें ऐसे आप देखते हो कि बॉक्सेस बने होते हैं, यहाँ लिखा होता है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ फिर कहीं लिखा होता है क्लिक टू ऐड इमेज। तो ये इमेज टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए जो बॉक्सेस बने होते हैं ना एक साइड पे, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। ठीक है, आप इन प्लेस होल्डर में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो बेसिकली। तो ये प्लेस होल्डर्स होते हैं। अब आप लोगों को मुझे कमेंट में क्या बताना है, इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन आप लोगों को मुझे आंसर आप लोगों को देना है कि टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक, क्वेश्चन 26 पे आ जाओ। टेनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। यहाँ पे एनिमेशन हाईलाइट हुआ है तो इसका मतलब एनिमेशन नहीं है, ये एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉडेम कनेक्टेड टू। हमने मॉडेम का फुल फॉर्म पढ़ लिया, मॉडेम का यूज पढ़ लिया, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, लेकिन मॉडेम कनेक्ट किससे होता है हमारे सिस्टम से? तो वो होता है फोन लाइन के थ्रू। ठीक है, जो आपकी टेलीफोन केबल्स होती हैं उसके थ्रू। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिए। डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस। वेब पेजेस को व्यू करने के लिए या वेब को ब्राउज करने के लिए, इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए आप सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो, है ना? कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके? बेसिकली वेब ब्राउजर्स होते हैं, राइट? तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 29 ईमेल से है क्वेश्चन। क्या बोला है? व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। क्या डिस्क्राइब करता है कि मैसेज का कंटेंट क्या है? बेसिकली जो आप ईमेल भेज रहे हो उसमें क्या है, किस रिगार्ड से है, मतलब किस रिगार्डिंग ईमेल है आपका, तो वो आपका क्या बताता है? सब्जेक्ट लाइन। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो या लेटर लिखते हो तो ऊपर सब्जेक्ट लिखते हो ना, जो इसको रीड करके रिसिपियंट को पता चल जाता है कि हाँ ये किस बारे में आपने भेजा है लेटर या एप्लीकेशन। वैसे ही ईमेल में भी आपका सब्जेक्ट वाला ऑप्शन होता है। तो ए आंसर हो गया। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट आर द फोर थिंग्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इसमें से क्या चाहिए? टेलीफोन लाइन, मॉडर्म कंप्यूटर एंड ISP, मॉडर्म कंप्यूटर PDA एंड ISP, टेलीफोन लाइन PDA मॉडर्म कंप्यूटर, कंप्यूटर ISP मॉडर्म कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, मेजर चीजें जो आपको चाहिए? एक टेलीफोन लाइन मॉडर्म चाहिए, ठीक है, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। मॉडर्म के लिए टेलीफोन लाइन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए क्योंकि कंप्यूटर को ही कनेक्ट करना है, एंड ISP। ISP क्या होता है? फुल फॉर्म पता होना चाहिए सबको, इट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं। तो बस हमें इतनी चीजें चाहिए आपके सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो ये था आज का सेशन। बाकी हम लोग के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कल के सेशन में करेंगे। आज के क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट होगा, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, VLW कोर्स से रिलेटेड अगर आपको, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम तो हो ही जाएगा कुछ टाइम में, देखो आज नहीं तो कल होना ही होना है, ठीक है ना? तो आप लोगों को अगर फुल कोर्स चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं MCQs करवा रही हूँ, आप लोगों को डाउट आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं मैम, कहाँ से आंसर्स आ रहे हैं, पता चल रहे हैं स्टूडेंट्स को, कैसे पता चल रहा है, तो इट इज ऑल इन द कोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर फुल कोर्स अवेलेबल है, मेरे सारे सब्जेक्ट्स मैंने कम्प्लीटली पढ़ा रखे हैं विद MCQ सीरीज, PDFs, नोट्स, लेक्चर्स, एवरीथिंग इज इन द कोर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, कहाँ से? JK एग्जाम क्रैकर ऐप से। ठीक है एवरीबडी, सो मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।